नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आदरणीय मीडिया के बंधुओं को अपने सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की बधाई देते हुए मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्षेत्र की तमाम महिलाएं जो समाज निर्माण और समाज के विकास के लिए लगी हुई हैं उनको जो शिक्षित प्रशिक्षित और उत्साहित करने का काम किया गया है इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और उस महापुरुष के अच्छी शुभकामना तभी होगी जो हम लोग सब जुटकर जिसने देश को अच्छी दिशा में ले जाने का काम किया है उसके सहयोग करते हुए समाज को भी अच्छा बनाने का काम करें। पोषित कुपोषण कहीं देश में रह न जाए इसके लिए संकल्प लेकर काम करने का प्रयास करें। कुपोषण के अलावा जिले में कोई साक्षर सफाई कार्यक्रम भी चल रहा है? हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भी समाज में रुचि रखते हैं कार्यों में सभी लोग इस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर अच्छा काम करने की प्रेरणा लेते हुए समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नहीं, पिछले वर्षों में बहुत एक अभियान के तौर पर स्वच्छता अभियान चला था पीएम के जन्मदिवस पर, इस बार क्या हो रहा है? आज भी पूरा सप्ताह ये 17 तारीख से एक सप्ताह का संकल्प लिया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने और सभी सामाजिक लोगों ने कि हम इस सप्ताह के कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए स्वच्छता है और सभी अभियान के रूप में चलाएंगे और समाज को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। थैंक यू। फाउंडेशन की मैडम मिर्जा और उपस्थित हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोगी स्टाफ सबके सहयोग से ये पोषण किट जो इफको और ICR के सौजन्य से जो प्राप्त हुआ है ये सभी महिलाओं को जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इनको इस उद्देश्य से दिया जा रहा है और सुबह से इनको ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि पोषण वाटिका बना करके एक आदर्श पोषण वाटिका बनावें जिससे कि अगल बगल की महिलाएं भी उससे प्रभावित हों और बनाएं और उसका लाभ उठाएं और सब्जियों का करें जिससे पोषण कुपोषण को दूर किया जा सके। एक मांगी और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो रोजगार ना दे सके। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसी को रोजगार नहीं दे सकती, हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को विरोध कर बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। सपा के छात्र सभी जिले के अध्यक्ष नंदिशोर नंद कहे ऐसी सरकार किस काम की जो रोजगार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके। सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर बेरोजगार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की। खास रिपोर्ट रोजी किसान। नंदेश्वर जी, आज आप लोग भीख मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं नंदेश्वर नंद यादव निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्रवाद जनपद बहराई। इस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार भाजपा सरकार ने पूरी तरह से रोजगार खत्म कर दिया है और योगी जी ने जिस तरह से संविदा प्रथा ला करके सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया है इससे निश्चित रूप से पूरे देश का नौजवान और पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान पूरी तरह से अपने आप को ठगाता महसूस कर रहा है और नौजवान आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये भीख मांग करके एक विरोध दर्ज कराया है कि कम से कम जो पढ़े लिखे नौजवान है जिनको बेरोजगार कर दिया गया है उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होश में आवे और उसको रोजगार दे, वरना ये हम लोग अभी तो हम लोग भीख मांग करके केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना ये प्रदर्शन इतना बड़ा प्रदर्शन होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरा जैसी आंदोलन खड़ा करने का काम हम नौजवान करेंगे। अफवाह बना चर्चे का विषय, बड़ी समस्याओं से गुजर रहे लोग। मामला है जनपद बहराइच के थाना खैरी घाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत बकरा के मजरा सोबतिया करबला शरीफ का है, जहां पर एक पेड़ से पानी टपकने के चमत्कार बताया जा रहा है।
और यह चर्चा बड़ी सुर्खियों में बना हुआ था, जिसकी जानकारी जब यूपी लाइव 100 न्यूज़ की चैनल के संवाददाता जुबैल खान को मिली तो जुबैल खान ने ब्लॉक रिपोर्टर को भेजकर उसकी सच्चाई के तह तक पहुंचने की बात कही। जब हमारे संवाददाता अहमद हुसैन और राजीव सिंह कवरेज करने के लिए पहुंचे तो वहां पर पेड़ से पानी टपकने वाली बात सच निकली, परंतु ये भी जानकारी मिली कि उस पेड़ के नाम निशुत्र है और इस पेड़ की जाति से किसी तरह का पानी टपकता रहता है। ये पेड़ मौसम के हिसाब से अपनी मिजाज में बदलाव रहता है, जिसके कारण उस पेड़ की टहनियों पर छोटी छोटी फुहारें पड़ जाती हैं। फुहारों में कीड़ों के निवास होता है और उसी फुहार में पानी निकलता रहता है, जिसमें लोग चमत्कार का नाम दे रहे, परंतु ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक अफवाह है। इस अफवाह की वजह से प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज़ के परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित लोगों से विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है कि वैशाली पानी इस तरह पानी के लिए कोई भी अपना समय नष्ट ना करें और पानी से भी दूर रहें, क्योंकि जिस फुहारे में पानी टपक रहा है उस फुहारे में कीड़े का निवास होता है और ये पानी आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। राजू सिंह के साथ अहमद हुसैन की खास रिपोर्ट। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के थाना खैरी घाट के अंतर्गत ग्राम सभा सोबतिया में भकुराहा के करबला सोबतिया करबला पे करबला शरीफ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जैसा कि मुहर्रम से आप लोगों को एक मतलब न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे एक पेड़ से पानी टपक रहा है, जो हम लोगों ने कवरेज के दौरान यहाँ पे आए इसका हकीकत जानना चाहा तो उसका हकीकत यह है कि पेड़ में कुछ फफूंदी लगी हुई है और जिसमें कीड़े हैं, ये कीड़े की वजह से पानी यहाँ पे निकल रहा है। ऐसा कोई नहीं है, जहाँ जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ वहाँ पे इसमें पानी निकल रहा है, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, जिसमें छोटे छोटे जो कीड़े दिख रहे हैं उन्हीं कीड़ों की वजह से यहाँ पे मतलब ये पानी। अवैध निर्माण को लेकर ग्रामवासियों में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिला। एसडीएम नलपारक के अवैध निर्माण को लेकर जो खलियान में बना रहे थे अवैधिक श्यामलाल पुत्र प्रदत्त निवासी हैदरपुरा मौजा बुलबुल नवाज प्रगणवा तहसील नलपारा जिला बहराइच के प्रार्थना पत्र दिया था कि उस वक्त प्रार्थना पत्र में आवेदक ने ग्राम बुलबुल नवाज में अवैध कब्जा व हटवाए जाने की मांग के नियमानुसार शिकायत प्रार्थना पत्र निस्तारण के संबंध में राजस्व विभाग श्री सनाउल मलिक नेतृत्व में दिनांक 17/9/2020 को राजस्व विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सनाउल्ला मलिक राजस्व निरीक्षक मटेरा व श्री हजरत दिन क्षेत्र लेखपाल व श्री कांग्रेस राम त्रिपाठी लेखपाल व श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव लेखपाल व श्री राम मिलन लेखपाल पांच लोग की टीम गठित कर अवैध निर्माण को हटाए जाने के संबंध में मौजा बुलबुल नवाज के ग्राम हैदराबाद में रखा गया। एडीएम नलपारा के आदेश अनुसार राजस्व टीम के नेतृत्व में किया गया कि भूमि संकुलन निमानुसार अपने अखियातीन के दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिसमें पांच लोगों की टीम गठित हुई थी। उन्होंने बताया कि महिला कंजबल न होने पर अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया, जिसमें ग्राम प्रधान प्रिंस खान व बीडीसी छुटकू खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 20 बुलबुल नवाज मालदार कोटेदार ने नाराजगी दिखाते हुए अस्मित दिखाई कि दूसरे मौजे के आदमी मेरे मौजे में खेत खलियान या घोर गड्ढे अवैध कब्जा नहीं कर सकते। ग्राम प्रधान प्रिंस खान ने बताया कि इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की कमी कड़ा अवैध निर्माण ढाए नहीं किए गए, जिसमें अब देखना यह होगा कि एसडीएम ननपारा द्वारा इन लोगों की न्याय मिल पाता है या नहीं। सराजुद्दीन खान के साथ लड्डन खा की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ में वार्ड नंबर 20 बुलबुल निवाज के जिला पंचायत मालदार कोटेदार हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। इसी जो निर्माण था अवैध कब्जे में ये भी आए हुए थे, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? मैंने हम लोग जब आए यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा थी और लेखपाल लोग कानूनगो साहब और प्रधान भी सभी लोग मौजूद थे और आधा घंटा पहले कहा जा रहा था कि गिराइए इसको, हटाइए कब्जा हटाइए जी। बाद में पता नहीं कैसे क्या हुआ, कई गोल मिल करके जो है रुक गए और नहीं गिराया गया। लोगों का कहना है कि जो प्रधान जी कह रहे थे कि इसको गिरवाया, सभी लोग पूरे गांव चाह रहा था
गिरवा दी। उप निरीक्षक समीरला जो थे लोगों का कहना है वो कहीं पर बातचीत की, उसके बाद में वो फिर गोलमोल करके निकल गए। क्या पहले तो कह रहे थे कि इसको इसी वक्त गिराइए, तत्काल गिराइए, इसके बाद में हट गए, पता नहीं कैसे कुछ चल गए। उसके बाद भाई और हो सकता है तहसीलदार साहब से किसी ने बात करवाया कि जो है बात कर लीजिए, और उसके बाद में जो है रुक गए। ये अपने मोजे के कि दूसरे मोजे से हैं? अब वो कहाँ के हैं ये पता नहीं है, वो बात करवाएं तहसीलदार साहब से जी, तो अब बात करने के बाद में रुक गए। इससे पहले तो सभी लोग उत्सुक थे कि इसको गिरा दीजिए, पूरा गांव मौजूद था, सब लोग चाह भी रहे थे, मैं पूरे प्रधान और पूरी जनता भी चाह रही थी, क्योंकि वो दूसरे ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम पंचायत के हैं नहीं, जो अवैध कब्जा कर रखा है वो दूसरे ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत के नहीं, यहाँ के नहीं है। ये घूर गड्ढा है? हाँ ये तो घूर गड्ढा है, लेकिन जो नया निर्माण है जी, इस पे विरोध था कि ये पहले गिरे, बाद में जब उस पे कार्रवाई होगी तो पुराना भी गिर जाएगा। उस पे सभी लोग सहमत भी थे जी। जो नया निर्माण हुआ है ये भी घूर गड्ढे में हुआ है? हाँ हाँ ये तो घूर गड्ढे में ही वो भी है, लेकिन उसको बाद में जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तब गिराया जाएगा, लेकिन ये इसका आदेश था कि गिराया जाएगा। मेन निरीक्षक हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि इस विषय में वो क्या बोलना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। मैं राजद निरीक्षक सनावरदा हूँ। यहाँ पे एक टीम गठित की गई थी बुलबुल नवाज में, ये अवैध कब्जा हो रहा था खाते गड्ढे पे, तो यहाँ पे देखा गया करीब 6-7 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया गया है। उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया, पर्याप्त सुरक्षा बल न होने की वजह से मकान को गिराया नहीं जा सका। कभी ये मकान गिरेगा? कितनी तारीख को मकान गिरेगा? उच्च अधिकारी के जैसा आदेश होगा ऐसा किया जाएगा। एक हफ्ता के इन लोगों को टाइम दिया गया है कि ये लोग अपना अपना मकान हटा लें। इस विषय में एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे आने पे हमने देखा है कि यहाँ पे जो नया निर्माण और पुराने निर्माण में अंतर है, तो नए निर्माण का आपको आज परमिशन मिला हुआ था कि सारे निर्माणों का परमिशन? नए निर्माण का मिला था, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा बल ना होने की वजह से उसको नहीं गिराया जा सका। वहाँ पे औरतें ईंटा लेकर खड़ी हो गई, जिससे मकान नहीं गिराया जा सका महिला पुलिस न होने के कारण। अभी जो फोन से बात किया था, किससे बात किया था? तहसीलदार से बात किया था। सरकारी से अपना हम बात किए हैं। क्या बात किए थे? इसी के बारे में उनको सारी सूच मतलब बताई गया और इस चीज़ से उनको अवगत कराया गया है। सारी इस चीज़ से एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, एक हफ्ते सबको टाइम दिया गया सभी लोगों को। पुरानी कार्रवाई हुई, महिला जिसे खड़ी भी ऊपर कार्रवाई हुई, कुछ कार्रवाई करी है लेकर खड़ी हुई थी जिस पे लिखा था महिला पुलिस आने का टाइम, महिला पुलिस लिखा आने का टाइम लिखा था, महिला पुलिस लिखा था आने का टाइम। अब महिला पुलिस जब मिलेगी, जब उच्च अधिकारी जैसा आदेश करेंगे वैसा फिर किया जाएगा। तो आगे से आदेश नहीं होता महिला टीम के लिए? अब उसमें होता है जी, लेकिन विस्तृत को देखते हुए अपना महिला पुलिस लाया जाता है। आपने थाने में जमा किया था जो नोटिस हमको मिला था वो हमने जमा कर दिया, फिर इसमें थाने द्वारा आपको महिला टीम नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विकासखंड क्षेत्र रतनपुर में भाजपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष चंद्र कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा श्रावस्ती युवा मोर्चा के सभी कार्यकारिणी द्वारा गांव में जाकर सभी ग्रामवासियों को हलवा व टॉफी व मिठाई वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन दिवस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज 17 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और इस खुशी में चंद्र कुमार मिश्रा और पप्पू मिश्रा आप सभी क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को अपनी और अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आजे दादा कोड़ा जो आजे दादा देखो दुकान पर है कहाँ है। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दिया जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना भिनगा सिसैया जाने वाली मार्ग पर जंजरी के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार के पीछे से टक्कर मार दी जिससे दोनों बाइक सवार उसी जगह पर गिर गए। बाइक इतनी तेज रफ्तार थी कि बाइक के पर बच्चे भी उड़ गए। तीनों घायल उसकी जगह पर काफ़ी देर तक तड़पते रहे। कुछ देर बाद देखते ही कुछ लोग इकट्ठा हो गया और द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों ने 3 घायलों को जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों 2 की हालत नाजुक देखते हुए परहेज के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि 1 का चिकित्सालय भिनगा में चल रहा है, जिसमें 1 बाइक सवार रुमाला खान पुत्र अली बहादुर खान गुरुग्राम बटनेहवा रहने वाला है, जो दूसरा बाइक सवार है सिधौईपुर तराई का है बताया जा रहा है। UP Live 100 न्यूज़ की
तरफ से बजोग की स्पेशल रिपोर्ट।